जी पुरवैया में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर आज भी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। आज विपक्ष के विधायकों ने सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और लाभुकों के लंबित पेंशन भुगतान, भूमिहीन परिवारों को जमीन देने और SC ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विफल है। इधर मुकामा से निर्दलीय चुनाव जीते विधायक अनंत सिंह ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। अनंत सिंह विधायक चुने जाने के बाद से बेऊर जेल में बंद हैं। 17 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने विधायक पद की शपथ लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद अनंत सिंह ने आज 5 महीने के बाद विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उन्हें शपथ दिलाई। अनंत सिंह शपथ लेने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से विधानसभा गए। मुकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सितंबर 2015 में उनके गांव नंदवा से गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते भी। अनंत सिंह पर मर्डर, अपहरण, रंगदारी समेत कई मामले भी दर्ज हैं। जीत हुई उसके बाद फिर से आप आए। बहुत बंद था, बीमार से तो नहीं आए, बीमार बढ़िया होता आगे। इधर बिहार में पथ निर्माण विभाग के उस विज्ञापन पर बवाल मचा है जिसमें विभागीय मंत्री सह डिप्टी CM तेजस्वी यादव की तस्वीर छपी हुई थी। BJP ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है, वहीं JDU ने इस मामले पर विपक्ष पर तंज कसा है। ये जनता दल और RJD के बीच में टकराहट बढ़ गई है। आपको याद होगा IGMS में स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम था जो कैंसिल हो गया, उसमें तेज प्रताप यादव का फोटो नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री उसके बावजूद फोटो नहीं था। उसी की प्रतिक्रिया में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री का फोटो नहीं दिया। सामान्य परंपरा रही है यहां कि सभी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री का फोटो रहता है, वैसे ही सरकार ने फोटो और नाम देने के प्रोटोकॉल को तोड़ने का काम किया है। मैं तो मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो फिर से स्पष्ट करें कि प्रोटोकॉल नीति उनकी क्या होगी। कर्मवादी लोग हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। अब विपक्ष ऐसे ही सवाल को उठा कर करके अपना राजनीतिक हाजमा को दुरुस्त करना चाहती है। विज्ञापन विवाद पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को ज्ञान का अभाव है। जिन लोगों ने भी इस सवाल को उठाने का काम किया है उनको जानकारी का अभाव है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो उनको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर निकालने का काम किया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमारा पालीगंज में भी कार्यक्रम था और अरवल में भी कार्यक्रम था, जो जहाँ का विज्ञापन था उसमें केवल मुख्यमंत्री जी का ही फोटो था। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है किसी एक का ही फोटो हो सकता है। अगर विभागीय मंत्री अगर कोई कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा है, विज्ञापन देना चाहता है जिसमें कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उसमें केवल सिर्फ मुख्यमंत्री का होगा, विभागीय मंत्री का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भविष्य में LJP, RLSP और हम के विलय की खबरों को गलत बताया है। सुपौल में मांझी ने कहा कि NDA को मजबूती प्रदान करने के लिए तीनों दलों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात है कि हम लोग दो दिन पहले एक जगह तीनों, यानी रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा और हम एक जगह वैशाली में हमारे जो अध्यक्ष उनके फार्म हाउस में हम लोग बैठ कर आगे की रणनीति जरूर बना रहे थे कि किस तरह से कारगर ढंग से NDA को चलाया जाए, कैसे NDA को मजबूत किया जाए। तो तीनों पार्टियों के विलय की खबर का खंडन कर रहे हैं जीतन राम मांझी। वहीं LJP के प्रधान सचिव सत्यानंद शर्मा ने 29 मार्च को क्या कहा था वो भी सुनिए। राष्ट्रीय राजनीति की अनिवार्यता है कि छोटे छोटे जितने दल हैं
सबों को मिला करके एक बड़ा दल बने। अभी राष्ट्र सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, दल बहुत छोटा चीज है। तो राष्ट्र जिन चीज़ों को मांगता है उन चीज़ों को दलों को देना पड़ेगा। उसी परिवेश में अभी एक प्रयास शुरू हुआ है कि लोजपा, रालोसपा, हम बिहार में मिल करके एक बड़ी पार्टी के शक्ल में उभरे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात झारखंड की अब करते हैं, जहां पर राजबाला वर्मा को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। राजबाला मुख्य सचिव राजीव गोवा की स्थान लेंगी। राजबाला वर्मा 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी राजबाला वर्मा फॉर्मर आईएएस ज्योति भ्रमण तुबीद की पत्नी हैं। जेबी तुबीद राज्य में लंबे समय तक होम सेक्रेटरी रहे हैं और लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद बीजेपी के साथ हो गए। पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। राजीव गौबा के केंद्र में जाने की सूचना के बाद इस पद के लिए सुधीर प्रसाद, विष्णु कुमार, राजबाला वर्मा, एनएन पांडे, यूपी सिंह, पीके जाजोरिया और सजल चक्रवर्ती के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी मुहर राजबाला वर्मा के नाम पर लगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, इधर शेखपुरा में जागो मांझी की मौत की खबर को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला इस खबर के बाद। वहीं इसकी वजह से जिला प्रशासन अब सख्ती बरतता नजर आ रहा है, जहां पर जिला प्रशासन काफी सतर्क दिख रहा है। तभी तो मृतक जागो मांझी की पत्नी पचोहिया देवी की अचानक जैसे ही तबीयत खराब हुई, उसे सदर अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आओ, हाथ गोर के नस पूरा इसी से करता, अब कुछ बोलवे नहीं करता, पूरा बेचैन था। वही से कहा मुखिया जी के कि मुखिया जी इसको ले चलो जल्दी, ये कैसे कैसे कर रहा। मुखिया जी अस्पताल ले गया, हाँ वहाँ से भेज दिया यहाँ। वहाँ बोला कि यहाँ पर जो दवा वहाँ पर मिलता है, जो दवा पर यहाँ पर नहीं है, जो वहाँ ले जाओ। और उसका सारा दवा का जो है जितना भी इंतजाम जो है सब अस्पताल के द्वारा किया जा रहा है। उससे उसको कोई दवाई बाहर से उससे नहीं मंगाया जा रहा है, और बाहर से जो भी दवाई लाना पड़ रहा है वो अस्पताल प्रशासन उसको ला करके पूरे रूप से दे रहा है। और हम लोग उनको देख रेख के लिए एक एएनएम और एक मेल स्टाफ जो है पूरे उनको मुस्तैदी से दिन रात हम लोग नज़र रखे हुए हैं। उनकी स्थिति अस्थिर है लेकिन अच्छी नहीं है, गंभीर तो ज़रूर है। बात अगली खबर की करते हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद बिहार में देसी शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कड़े कानून बनाने के बाद शराब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना इस पर आसान होगा। ये तस्वीर बेगूसराय की है। देसी शराब कारोबारियों के खिलाफ दियारा में पुलिस का अभियान। बिहार में शराबबंदी के कायदे से खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है, लेकिन सरकार के सिस्टम के सामने चुनौतियां बरकरार हैं। पहली चुनौती देशी शराब बनाने वाले गरीबों को जीविका मुहैया कराने की। विदेशी दारू बंद करिए, हमने क्या सब चीज बंद हो गया तो विदेशी दारू कहाँ चालू रहेगा? सब बंद करिए तो बंद हो जाएगा, तो नहीं बंद होगा। हाँ नहीं बंद होगा महुआ वाला दारू, जब विदेशी दारू नहीं बंद करेंगे तो महुआ वाला दारू नहीं बंद करेंगे। दारू का खाएंगे, हमने का मर्दाना नहीं है तो क्या करके खाएंगे? महीना ने राशन मिलता 6 महीना पर डीलर देता है, चंदू साहब डीलर हमने राशन बंद कर दिया। पुलिस ने भी कमर कस लिया है, पुलिस काउंसलिंग कर रही है, कार्रवाई से पहले समझा रही है, लेकिन दूसरी चुनौती यही है, पुलिस भी इसे मान रही है। शराबबंदी को लेकर जितने भी इसके आयाम हैं उन सभी आयामों पर एक साथ आप काम कर रहे हैं और पुलिस जो है पुलिस का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। शराब कारोबारी धंधा चौपट हो जाने की दलील दे रहे हैं और पीने वाले हैं कि मानते नहीं, इन्हें रास्ते पर लाना सरकार की तीसरी चुनौती है। बिजनेस तो एकदम ठप पड़ जाएगा जी। कैसे रेस्टोरेंट मेंटेन कब? अब तो रोड के चलते ही भी रोड कम चलती है, बिजनेस अब तो देखिए क्या होता है आगे, एकदम बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा। हम लोगों को 22 को 20 को स्टाफ था, अब कैसे पेमेंट सब लोगों को? हम तो सर यही कहना चाहेंगे, शराब बंद हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं बहुत दुखी हो जाएंगे,
शराब है जो हम लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को हम लोग पी पा के थोड़ा थकान को दूर करते हैं। ये तो बहुत बेकार सरकार हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रही है। सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। शराबबंदी कानून 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। विदेशी शराब भी दायरे में आने वाला है। फिलहाल तो विदेशी शराब की चुनिंदा दुकानें ही नजर आएंगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि पीने का मतलब हमेशा के लिए बदल जाएगा। आनंद अमृतराज, ZMCL, पटना।